नाम फैजल, अपराध कर्फ्यू के दौरान सब्जी बेचना, नतीजा संदिग्ध मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना के संक्रमण को तोड़ने के लिए आंशिक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है और इस कर्फ्यू के दौरान यूपी पुलिस का एक मानवीय चेहरा सामने आ रहा है, जिसमें ये देखा जा रहा है कि यूपी पुलिस आम जनमानस को खाना, फल, दवाएं एवं अन्य सहायता उपलब्ध करा रही है। जहां एक तरफ यूपी पुलिस लगातार अपनी कर्तव्य परायणता दिखा रही है, वहीं यूपी पुलिस के कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी वजह से पूरे प्रशासन को ही बदनाम होना पड़ रहा है। ऐसी ही खबर सामने आई है उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद से, जहां पर एक युवक जिसका नाम फैसल था, वह सब्जी बेच रहा था, उसे पुलिसकर्मियों के द्वारा इस प्रकार से प्रताड़ित किया गया, ऐसे मारा पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। फैसल के परिवारिक जन लगातार यह आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस की पिटाई से ही उस युवक की मौत हुई, लेकिन पुलिस वाले ये बात मानने को तैयार नहीं थे। युवक की मौत के बाद वैसे तो पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही थी, लेकिन कुछ देर बाद ही सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर फैसल ट्रेंड करने लगा, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। पहले तो पुलिस वाले लगातार यह दावा करते रहे कि फैसल की मौत हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो इससे अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश पुलिस की गलत कार्यवाही से एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सरकार कटघरे में है। मामला राजधानी लखनऊ से जुड़े उन्नाव का है, जहां एक गरीब परिवार के नौजवान की पुलिस हिरासत के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस की कथित पिटाई से सब्जी बेचने वाले फैसल की मौत के बाद आक्रोशित परिवारजनों ने फैसल का शव सड़क पर रखकर घंटों विरोध किया। मामले ने तूल पकड़ा और DGP सरकार से कार्यवाही की मांग उठी। तब जाकर उन्नाव के SP आनंद कुलकर्णी ने 2 पुलिसकर्मी और 1 होमगार्ड को निलंबित कर दिया और उनके विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज कर दिया है। घटनाक्रम उन्नाव के बांगरमऊ थाना क्षेत्र का है। करीब 23 साल के फैसल सब्जी बेचकर परिवार चलाते थे। राज्य में लॉकडाउन है। शुक्रवार को फैसल सब्जी बेचने निकले। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने लॉकडाउन के उल्लंघन में फैसल को बेरहमी से पीटा और चौकी ले गए। परिवार ने पुलिस हिरासत में मारे जाने का आरोप लगाया है, यह कहते हुए कि पिटाई के बाद फैसल को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इस घटना को लेकर परिवार वालों ने फैसल की लाश सड़क पर रखकर धरना प्रदर्शन किया और आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग उठाई। जब जस्टिस फॉर फैसल ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा तो अफसर हरकत में आए और आनंद फानन में आरोपी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर वाद पंजीकृत कर लिया है। वहीं पुलिस का दावा है कि लॉकडाउन के उल्लंघन में फैसल को चौकी लाया गया था, जहां उसकी तबीयत बिगड़ने पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन फैसल की मौत हो गई। पुलिस इसे मौत का कारण हार्ट अटैक बता रही है। SP ने कहा कि परिवार की शिकायत पर आरोपी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर वाद पंजीकृत कर लिया गया है। एक व्यक्ति पुलिस थाने लाया गया, जिसकी पुलिस थाने पर आकर के तबीयत खराब हुई और उसको तत्काल CSC अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में वादी के तहरीर के आधार पर FIR पंजीकृत कर लिया गया है, जिसमें 2 आरक्षी और 1 होमगार्ड को नामजद किया गया है। इनको तीनों को निलंबित कर दिया गया है और इसमें अग्रिम विचारात्मक कार्रवाई प्रचलित है। वहीं इस घटना को लेकर यूपी पुलिस पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ट्विटर पर यह घटना ट्रेंड कर रही है और फैसल के परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने की मांग बढ़ रही है।